विशु शाहाय जय शु जय मसीह की। मेरा नाम है विवेक कुजूर और ये एक वीडियो मैं आपके पास लेके आया हूँ। कुछ दिन पहले 26 जनवरी को हमारे रायपुर शहर में एक रिट्रीट हुआ था वन डे का। उस पर मैंने काफी कुछ सीखा और काफी चीज करा जो मैं इस वीडियो पे आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं कुछ चीजों को। और ये उस समय की बात है जब मैंने अपने ड्रम्स को खोला। खोलने के बाद मैंने कार पे डाला और मौसम उस टाइम काफी अच्छा था। और जैसे ड्रम्स को रूम से कार, कार से रूम, रूम से कार लेते लेते काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका था। ड्रम्स को रखा, फिर हम वापस घर आ गए और घर में हम प्रे करके हम सो गए ताकि जो ये रिट्रीट है 26 का वो काफी अच्छे से सफल हो जाए। उसके बाद जब हम मॉर्निंग में सुबह निकले, उसके बाद ये कुछ मैंने काफी नया कुछ सीखा यहाँ पे कि जैसे हम वहां पे गए, हम खुद को अंदर से तैयार करें। वहां पे हमने प्रार्थनाएं की वॉलेंटियर्स के लिए, हम हमारे लिए, मैं अपने खुद के लिए मैं वहां प्रार्थना किया। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो जो रिट्रीट में आ रहे थे, जो लोग आ रहे थे, उनके लिए स्पेशली घुसने से पहले प्रार्थना किया गया। ये मेरे लिए कुछ नया था और मैंने इस चीज से काफी कुछ सीखा। यहाँ पे कुछ हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं वो वहाँ पे कुछ काम कर रहे थे, कुछ डिस्कशन कर रहे थे कि आगे का शेड्यूल क्या है। और मौसम तो काफी ज्यादा सुंदर था, मुझे काफी मजा आ रहा था।
कुछ चीजें हैं उसे तो मैं भूल ही जा रहा हूँ। वहां से कुछ भाइयों से मैंने बात किया कि आपको ये जगह कैसा लग रहा है और ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है और आप इस जगह में आके आपको कैसा लग रहा है, दिखाता हूँ। वो भी अच्छा लग रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा है और लोकेशन भी बहुत अच्छा है। ठंडा मौसम है और हम यहाँ पे आए अपने जीवन का प्रपर्स पता करने के लिए कि अपने जीवन में क्या लक्ष्य के पर्पस के बारे में बताना, तो हम वही सब पर्पस के बारे में जानने के लिए आए हैं। अगर चलो ये समय मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, मतलब मैं इस चीज को बयान नहीं कर सकता। वो जो प्रेयर का समय था जब प्रेजेंट एंड वर्शिप चल रही थी और लोग वहां पे अपने घुटनों में आके अपने सरों को झुका के जो प्रार्थनाएं कर रहे थे वो काफी प्रभावशाली था। मुझे उस प्रार्थना में एक अलग ही खुशी मिली, मैंने ऐसा कभी पहले महसूस नहीं किया था। देखते हैं वो चीजों को, आप देखते हैं। वो समय इस कैंप का सबसे बेस्ट पार्ट था मेरे लिए, क्योंकि उस समय में बता नहीं सकता, ये समय जो है एडोरेशन का है। एडोरेशन के समय में हमने काफी ज्यादा तैयारी करी थी इस एडोरेशन के लिए, काफी दिन से इस एडोरेशन के लिए, इस रिट्रीट के लिए बहुत ज्यादा तैयारी चल रही थी और प्रार्थनाएं चल रही थी काफी ज्यादा। वहां पर मुझे लगा कि खुदा पास में है, खुदा हमारे पास है। ऐसा मुझे लगा वहां पे और मैंने काफी चीज को वहां पे महसूस किया। मैं काफी ज्यादा आनंदित था एडोरेशन के टाइम पे ड्रम प्ले करके और लोगों को देख के, और बहुत कुछ सीखने को मिला वहां। The depths of my soul.